पलक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I love you। अगर तुम ऋत्विक से प्यार करते तो जाके बात उसे कह दो। Please do yourself a favor। ये पलक से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। वो की मतलब सीगा तोड़ा? मेरी पलकों को I love you कहने दा? मैं पलक से प्यार करता हूँ और ये सच है। विजय जी, आप ही ने तो कहा था ना, जिस दिन रिकी को सचमुच प्यार हो जाएगा आप ढोल बजवाएंगे। मैंने गल दस मानता, क्या रिकी नु सचमुच प्यार हो गया? हाँ विजय, अब इतना तो प्यार के बारे में मैं समझती हूँ ना। पता है, मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे समझ जाना चाहिए था, पता है, मुझे एक बार को लगा भी था, पर पता नहीं क्यों मैंने ध्यान नहीं दिया। कभी मुझे सच में लगता है कि अगर उसकी सगी माँ होती ना तो समझ जाती ना। मैं फजूल दी गाल नहीं किया करूं। पर सच विजय जी, रिकी में पिछले दिनों में कितना बदलाव आ गया है। अब वो पहले जैसे दिखावा नहीं करता, औरतों की रिस्पेक्ट करने लगा था, पता है। फिर बीच में उसका भरोसा टूट गया, फिर उसका दिल टूट गया, फिर पलक से उसकी दोस्ती होगी। विजय जी, इट वाज सो ऑब्वियस, मुझे समझ जाना चाहिए था हमारे बेटे को प्यार हो गया है। ममता जी, प्यार मोहब्बत मैं भी समझता हूँ, लेकिन ममता जी, रिकी ने हमारा दिल दुखाया है। ऋषभ ने आज तक कभी मेरा दिल नहीं तोड़ा। भाई दोनों में फर्क है ना? की फर्क है ममता जी, दोनों ने हमारे अच्छे दिन भी देखे और बुरे दिन भी देखे। मैं तुम्हें दसदा की फर्क है दोनों में। ऋषभ ने आज तक जो कुछ भी किया है ये सोच कर किया है कि पापा को अच्छा लगेगा या नहीं, और रिकी ने लेकिन हमेशा वही किया है जो उसे पसंद हो। लेकिन मेरी एक गल मान लो, तो जो कुछ भी होया उसके विच तुहाडी कोई गलती नहीं है। किसी की गलती नहीं है डैड, अगर किसी की गलती है तो वो मंजीत जी की। साफ साफ पता चलता है उनकी चाल थी। मैंने जो कहा वो सच था। हाँ, जिस तरीके से और जहाँ मैंने वो सब कहा, कई लोगों के दिल को ठेस पहुंची है, उस बात का अफसोस है मुझे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या है इसमें? वही सब लिखा चिट्ठा जो आपने मांगा था उनके बारे में। हमारे यहाँ शादी के पहले 4 शादियाँ ऐसी उन्होंने करवाई हैं जो करवाने तो गई थी लेकिन तोड़वा दी, और हर शादी में लड़की लड़कों वालों से कम पैसे वाली थी। ऋषभ, इसका मतलब ये नहीं ना कि इसमें मंजीत जी की गलती है। शादी ब्याह का टूटना तो संजोग की बात होती है। रीवा की शादी टूटी थी तो समर ऑलरेडी राधिका के साथ था, और सेतु का तो अब तक कुछ सॉल्व भी नहीं हुआ। तो ये सब कुछ मंजीत जी पे नहीं डालना चाहिए ना। मॉम, आई नो व्हाट यू आर सेइंग, बट पूरी अंकल को प्रीनप अग्रीमेंट किसने दिया? उसमें साफ साफ लिखा है कि वर्मा जी जमीन देंगे तो पूरी अंकल उनकी बेटी को खुश रखेंगे। ऋषभ, ये वाली डिमांड तो पूरी भाई साहब ने पहले रखी थी। मॉम, लेकिन मंजीत जी ने ये प्रीनप अग्रीमेंट बनवाया था, उनको क्या जरूरत थी इसमें पढ़ने की? पर वो पढ़ी, बिकॉज दैट वॉज हर इंटेंशन। मैं जानता हूँ हम इस घर में ये बात कभी नहीं करते। आई थिंक आज ये बात करनी जरूरी है। विकी की माँ आपको छोड़ के गई, दूर से चाहे कोई जैसा भी दिखता हो लेकिन सच हमेशा सामने आता है। खैर, आप चाहते हो कि जो आपके साथ हुआ वो रिकी के साथ हो? नहीं, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा। ममता जी, अगर रिकी को जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ है तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जब गीता ने रिकी को छोड़ा था तो उसका दिल टूट गया था, और अगर इस पलक ने भी उसका दिल तोड़ दिया तो उस वक्त तो तुम थी उसे संभालने के लिए, अब उसे कौन संभालेगा ममता? और जो कुछ भी मंजीत और पलक के बारे में सुना है अगर वो सही निकला तो? अब अभी भी निकला है तो पे, why do you want to take that chance, right? आपके लिए तो ये सिर्फ ना होना चाहिए, पलक के लिए सिर्फ ना, स्ट्रेट नो। और आंटी, मैं भी पलक से बात करना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। पे जो कुछ आपके घर वालों ने हमें कहा है ना, जितना मैल भरा हुआ है ना उनके दिल में हमारे लिए, वो सब सुनने के बाद तो पलकू उस घर में कदम तक नहीं रखेगी। और वैसे भी पलकू यहाँ आपके लिए थोड़ी ना आई थी, वो तो अपनी सहेली सेतु के लिए आई थी।
आपसे और आपकी फैमिली के जुड़ने की वजह से ना मेरी कुड़ी की लाइफ ना जन्नू बन गई है, और उसने इतनी जिल्लतें सही है जी। आपके वो गंदे ड्रामे की वजह से ना मेरी कुड़ी तीन बार शहर छोड़कर जा चुकी है। पर नहीं, आपको क्या फर्क पड़ना है ना जी। पर एक बात याद रखो ऋत्विक नून, अब ना मैं आपको अपनी कुड़ी के पास फटकने तक नहीं दूंगी। वो बहुत बड़ी बड़ी गल्ला कर रहे हो ना आप कि हम दोनों माँ बेटी आपके पैसे के पीछे लगे। सॉरी मिस्टर नून, पर मैंने अपनी बेटी को ना आपकी पूरी जायदाद के बावजूद भी मैंने अपनी कुड़ी को आपके पास आने नहीं देना। अब हो गई ना सारी गल्ला, अब जाओ जाके कह दो अपनी फैमिली से, अपनी प्यारी सी फैमिली से कि ये पैसे बटोरने वाले माँ बेटी से ना उनका हमेशा के लिए पीछा छूट गया है। जाओ। आंटी, आंटी, आंटी सुनिए तो। दादा आप क्या कह रहे हो? बेटा मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अगर मंजीत बुरी है तो ये जरूरी नहीं है कि पलक भी बुरी हो। बेटी को माँ के कर्मों से क्यों तोड़े आप? तो फिर ममता जी, कल पूरी के घर चल के मांगते हैं माफी और मंजीत के घर जाके मांगते हैं पलक का हाथ। बहुत बढ़िया, कल सवेरे मंजीत जी नाल गल करते हैं। ओए पलकू, तेनू मेरे जाने से पहले दसना चाहिए था ना। ओए मैं उत्थे पागलों की तरह चली गई अपना बेवकूफ बनाने। कमलेश भाई, ये एसीपी दिलबर सिंह हैं, मेरे दोस्त हैं, सेतु का केस देख रहे हैं, पलक से थोड़ा सा पूछना चाहते हैं। पलक बेटा जरा आओ तो बेटा, बात कर लो। मम्मा हम पहले सेतु को ढूंढेंगे, उसके बाद ये सारी बातें करेंगे, प्लीज। आ बेटा जल्दी आओ। आ बेटा। अनन्या हाय, लिसन प्लीज 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 फोन मत काटना, मैं नीचे खड़ा हूँ, 2 मिनट के लिए मुझसे मिलना है। यार रिक्की यार, तू 50 बार उसे कॉल कर चुका है, उसने नहीं उठाना तेरा फोन और उसने नीचे भी नहीं आना, तो देख लेना। ठीक है, नहीं आएगी ना, मैं भी यहीं खड़ा हूँ, कभी ना कभी तो घर से बाहर निकलेगी ना, यहीं खड़ा हूँ मैं। खड़े रहो फिर, क्या बोलूँ मैं। तो बीपी ने उस पलक के लिए हाँ कह दी। हाँ अंकल, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, बट दिस इज व्हाट इट इज। डैड आपसे बात करेंगे आके, आई जस्ट थॉट आई विल टेल यू बिफोर। बीपी बेटे के प्यार में दुनियादारी भूलता जा रहा है। कोई नहीं ऋषु बेटा, मैं निपटाता हूँ। ओके ऑलराइट। तो गड़बड़ हो गई, रिक्की किसी और से शादी कर रहा है क्या? उस वक्त हम अकड़ में पार्टी छोड़ के तो आ गए, लेकिन ऋतिक का रिश्ता हम अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। रिक्की यार, रात के 3 बज गए हैं भाई, नहीं आने वाली वो। ये ले बियर पी। कैन यू इमेजिन, ऋत्विक नून की लाइफ में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस। मैंने पूरी जिंदगी अपने आप को इन्हीं कॉम्प्लिकेशन से दूर रखा है, लाइक आउट। डूड, 4 गर्लफ्रेंड्स एक साथ थी मेरी एक टाइम पे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी कभी भी। लेकिन ये जो प्यार है ना, कितना दिल दुखता है यार इस प्यार के चक्कर में। अनन्या, अब रिक्की तो अनन्या से बात कर, मैं आता हूं। ये घर के सामने धरना लगा के क्या मिलेगा तुझे? एनी तो मुझसे बात नहीं कर रही थी, तो मुझे लगा। क्या मुझे लगा? क्या लगा कि आके एनी को समझाते हैं? पर रिक्की व्हाट विल यू एक्सप्लेन? हाँ कैसा इंसान है तू, एक बार हिम्मत करके बोल दिया होता कि एनी मैं तुझे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे किसी और से प्यार हो गया, तुझे क्या लगा मैं तेरे पीछे रहूंगी? एक बार तो अपने फ्रेंडशिप पे भरोसा कर लेता, लेकिन तूने क्या किया? पूरे दिल्ली के सामने मेरी पूरी फैमिली की बैंड बजा के रख दी, इज्जत की। मेरा ये इंटेंशन नहीं, इंटेंशन नहीं था रिक्की, तू तो हमेशा यही सोचता था ना कि तू अपने लाइफ में बहुत शॉर्टेड है, कूल है, अब तुझे क्या हो गया? और मैं हमेशा तुझसे एक ही बात बोली है कि कभी भी मुझसे झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, कुछ भी होगा मेरे पास आना, विल टॉक इट आउट, सब साथ में मिलके सॉर्ट। यार अनन्या मुझे नहीं मालूम था, बस हो गया यार। बच्चे हो बस, हो गया और जिम्मेदारी खत्म, कोई जिम्मेदारी है नहीं। मुझे लगा कि पलक और मेरे बीच में जो कुछ भी है वो एक
एक अट्रैक्शन है क्योंकि अब इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो जस्ट नॉर्मल प्यार था, वो प्यार था। तू उसे भी नहीं समझा। एनी, 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 प्लीज। प्लीज मुझे जाने दे। प्लीज। एनी, एनी, आई नेवर वांटेड टू हर्ट यू। मुझे मैंने ऋत्विक को साफ साफ कह दिया मेरी पलकू और उसका रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता जी। वो ऐसे थोड़ी ना बेइज्जती सहेंगे हम। और जब देखो नूस ने हम पे उंगली उठाई है, हम सब कुछ सहते रहे जी। हम भी इज्जतदार लोग हैं जी, बड़े आए अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अच्छा ठीक है, अब शांत रहो ना। वैसे भी कौन सा शादी होने वाली है ऋत्विक के पलक से, दोनों में कोई मेल ही नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, आप लोग की बात बात पर क्यों कर रहे हैं। मुझे भी पता है मेरा और उसका कुछ नहीं हो सकता, हमारा कोई मेल नहीं है। अरे बेटा तू समझदार है, मैं तेरी माँ को समझा रहा हूँ। अच्छा ये बता एसीबी से बात हुई, क्या कहा तूने? मैंने उनसे कहा कि मैं रोहित से बात करूंगी, वो प्यार करता है सेतु से, कबीर और वो क्लासमेट थे तो वो हमारी मदद कर सकता है उसे ढूंढने में। मैं देखती हूँ। जा बेटा, एक तेरे लिए बिस्किट लाया हूँ, एक दूध है, दूध के साथ बिस्किट। पापा, मम्मा मुझे इसलिए छोड़ के चले गई ना, क्योंकि मैं बैड बॉय हूँ। ऐसा बोलते बेटा, तेरी माँ देखो इसलिए छोड़ के गई है क्योंकि वो बदनसीब है जो उसने इतना अच्छा बेटा पाकर उसे खो दिया। अब तू देखना, मैं तेरे लिए ऐसी माँ लाऊंगा जो तुझे बहुत प्यार करेगी, तुझे अपने दिल में बसा के रखेगी, और जब तू बड़ा होगा ना तब तेरे लिए अपनी जैसी एक सुंदर सी लड़की लाके देगी और वो भी तुझे बहुत प्यार करेगी। नहीं, मुझे दूसरी माँ नहीं चाहिए, मुझे किसी से प्यार ही नहीं करना, उससे बहुत दर्द होता है। मैं बस आपसे प्यार करूंगा पापा, बस आपसे। ऐसा नहीं बोलते बेटा, प्यार के आगे किसी का बस नहीं चलता। जब प्यार होता है ना तब प्यार बोलता है, जब तुझे प्यार होगा ना वो प्यार तुझसे सब कुछ करवाएगा, और वही प्यार तेरी सोच बदल देगा। मेरी गाल याद रखी। हम्म, आप सही कहते थे डैड, प्यार सब कुछ बदल देता है, और आपने तब भी सही कहा था, वो मेरी मॉम थी ही नहीं, मेरी माँ तो ये है जो मुझसे हम सबसे इतना प्यार करती है। डैड और पलक भी उन्हीं की तरह है, वो प्यार जो आप मेरे लिए चाहते थे ना वो प्यार है पलक। आप भी एक दिन देखोगे डैड, पलक ही है वो, पलक ही वो है जो मुझे प्यार में भरोसा दिला सकती है। आप देखोगे डैड। I love you, Dad. पूरी रिकी ने जो कुछ भी किया वो गलत था, मैं और ममता तुम दोनों से माफी मांगना है। ओ यार चल आ जा, बैठ बैठो भाभी, आ जा बैठी ना भाई साहब। देख विपी, जवानी में लोगों से गलतियां हो जाती हैं, हमने भी बहुत करी, तेरे से भी हुई। जब वो चली गई तो फिर ममता भाभी आई तेरी जिंदगी में, अगर यही रिकी के साथ हुआ तो भाई वो मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, उसने हमारे जैसे घर नहीं देखे हैं,
हमारे तौर तरीके नहीं देखे हैं। कल को अगर ये सब देख के उसके मन में लालच आ गया तो फिर रिकी का क्या होगा? भाई साहब, हमें नहीं लगता उनके मन में ऐसी कोई बात है। लड़की की माँ ने तो रिश्ते के लिए भी मना कर दिया है। वही तो खेल है ममता। देखो, पहले सेतु ने शादी के लिए मना किया था और फिर हमारे बेटे को भगा ले गई, फिर शादी के लिए हाँ किया और खुद भाग गई। आप लोगों को दिखता नहीं ये लोग किस किस्म के लोग हैं? ये सब तो मैं नहीं जानती, पर बात रिकी की है। उस दिन उसने जो भी कहा उसी ने कहा ना। चलो, अब जो कहा सो कहा। सॉरी बोल दे अनन्या को, मैं मना के लिए आऊंगा मंडप में उसे। भाई साहब, माफी तो गलती की मांगी जाती है, पर यहाँ तो हमारे बेटे का मन ही बदल गया है। मेरा तो मानना है बचपना है, और रोहित की देखा देखी उसका भी मन आ गया। हाँ। पर क्या वो लड़की रिकी के लायक है? नहीं है विपी, वो उसके लायक नहीं है। तो बेकार की चीजें हैं सब, प्यार मोहब्बत। जिंदगी जीने के लिए और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, नहीं समझते हैं बच्चे? थैंक्स मैन। वर्कआउट के बाद डोनट। ओके, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए बुलाया। राइट। मैंने पलक भाभी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली उनके सोशल अकाउंट से। भाभी? और तू उसे स्टॉक कर रहा है? स्टॉक नहीं कर रहा हूँ यार, इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। और इतना क्यों शॉक हो रहे हो? आपकी होने वाली वाइफ मेरी भाभी हुई ना। तो भड़का ना। वेल, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत इम्प्रेसिव है यार। अगर आप पाक उनकी अच्छी बातें अंडरलाइन करके बताओगे ना, आप मना ही नहीं कर पाएंगे। लाइक शी इज अ डॉक्टर एज वी ऑल नो। वो हमारी कंपनी के लिए एसेट है यार। शी इज ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट एंड व्हाट नॉट। पा मना ही नहीं कर पाएंगे, बता के तो देखो। थप्पड़ यहाँ खाएगा कि घर जाके खाएगा? एक थप्पड़ क्यों खाऊंगा, इतना ईजी है। इन्फॉर्मेशन लो, पाक को जाके बोल दो। हाँ, यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं एक्चुअली तेरी बात सुन लूँ। एंड सेकेंडली इट्स नॉट ईजी। तो ये बात आपको तब नहीं समझ आई जब आप अपने ही कॉकटेल पार्टी में माइक पे जोर जोर से चिल्ला रहे थे आई लव यू पलक, आई लव यू पलक। तब नहीं समझ आई। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमें ना सिर्फ आपके साइड से सुनाई दिया आई लव यू पलक, पलक भाभी ने अब तक आपको आई लव यू नहीं बोला है, समझे? सच में वन साइडेड है क्या? पता नहीं यार। यार अब ऐसे आपने बिना उनकी फीलिंग्स जाने पूरी फैमिली से रिस्क ले लिया, सबसे झगड़ा कर लिया। व्हाट इज दिस? पलक भाभी, भाभी आ गई है, उनसे बात बात करो, लेट मी नो, ठीक है? गुड मॉर्निंग पलक भाभी। होने वाली भाई को आपसे कब से बात करनी थी यार, बात बात करो। ऑल द बेस्ट। सेतु का कुछ पता लगा? कुछ पता चला? वो मैं I'm sorry, मेरी मॉम ने तुमसे बहुत रूडली बात किया। ओह नो 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 नो, नॉट एट ऑल, प्लीज। बनता था, मेरा तो डेफिनेटली बनता था। वो एक्चुअली मैं यहाँ पे रोहित को रूम ले आई हूँ, मुझे उससे बात करनी है। उसका फोन भी ऑफ आ रहा है, तुमने उसे कहीं देखा है? मैंने जो कल किया उसके बाद आई डोंट थिंक मुझे मेरे आसपास भी दिखना चाहिए। रोहित, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही कुछ सुनना है। रोहित प्लीज, इट्स अबाउट सेतु। सेतु का पता चल गया है, उसे कबीर ने किडनैप किया, वो मुंबई में। रोहित, तुम सेतु को ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हो, तुम उसके दोस्त हो ना, यू कैन फाइंड आउट। तुम प्यार करते हो ना सेतु से? ठीक है, बोलो। वो जो वीडियो था उसमें साफ देखा मैंने, सेतु ने हमें क्लू दिया है कि ये सब कुछ कबीर ने किया, कबीर ने उसे किडनैप करके मुंबई में रखा हुआ है। पर कबीर ऐसा क्यों करेगा? वो मुझे नहीं पता, पर जब से मैं उसे जानती हूँ ना रोहित, वो बहुत ही बुरा आदमी है। मुझे तब से जानती हूँ जब वो सेतु की लाइफ में आया था, उसे डिवोर्स लेना भी आसान नहीं था। और अब जब सेतु आज़ाद है, वो उसे खुश देख रहा है, तो उसे नहीं देखा जा रहा है, शायद इसीलिए वो उसे प्रॉब्लम कर रहा है। इवन याद है जब वो तुम्हारे एंगेजमेंट में आया था, उसने वो सब कुछ जान के किया, उसने सब कुछ जान के सुनाया ताकि मिस्टर पूरी और मिस्टर वर्मा के बीच में प्रॉब्लम हो। कॉलेज में तो बड़ा शरीफ लगता था। मुझे तो कॉलेज में भी वो कभी शरीफ नहीं दिखा, तुझे ही लगता। एक्सक्यूज मी गाइस। हनी, एक्चुअली हम लोग भूल गए थे कि हमारे साथ ऋत्विक नून है।
रिकी को ना सब पता होता है, उसे सब पता होता है, उसको लगता है सब बेवकूफ है। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहाँ लेके जा रहा है यार? मैं बात को कहीं नहीं ले जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रोहित, रोहित प्लीज प्लीज प्लीज, ये सब बातें हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं ना, अभी सेतु को ढूंढना है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तुम तो बोलोगी ना पलक, बट लुक एट हर, लुक एट अनन्या। रोहित एक सेकेंड, मुझे अभी अपने बारे में बात नहीं करना है, और वैसे भी पलक से मेरी बात हो चुकी है, अब ये मेरा मैटर नहीं रहा, अब इसके बाद जो भी बात होगी वो पलक और रिकी के बीच में होगा। एंड या शी इज राइट, हमें हमारे लिए सेतु ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, प्लीज। कहाँ ढूंढे हैं? मुंबई। कबीर मुंबई में है तो हमें वहीं ढूंढना चाहिए आई गेस। पर अगर कबीर ने उसे कहीं और रखा हो तो? नहीं, उनकी लास्ट इन्फॉर्मेशन जो भी ट्रैक करके मैं पुलिस ने बताई है वो मुंबई है, पुलिस भी हमारे साथ है। कबीर बिल में छुपा है लेकिन उसे निकालना तो पड़ेगा, पर कैसे? अगर हम उस तक ये बात पहुंचा दें कि वर्मा अंकल ने शादी कैंसिल कर दी है प्रॉपर्टी के पेपर्स की वजह से तो ये हो सकता है। पर कबीर तक ये बात पहुंचाएगा कौन? रोहित तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, तुम उनको बताओगे तो बात अपने आप कबीर तक पहुंच जाएगी। तुम उन्हें बताओ कि तुम मुंबई आ रहे हो। कह देना यार कि तेरी शादी टूटी है, यूर हार्ट ब्रोकन, तो थोड़े दिन के लिए फॉर अ चेंज यू गोइंग आउटसाइड। यार राइट, तो एयरपोर्ट पे मिले शाम को। तू क्यों आएगा? तू मेरा दोस्त है यार, और अगर मैं नहीं होता तो शायद तेरी और सेतु की अभी तक शादी हो गई होती। आई जस्ट वांट टू हेल्प एंड आई वांट टू मेक श्योर कि तू नहीं चाहता कि कोई अकेला रहे। यू आर राइट रिकी, हम सब साथ में हैं। और ये मैं सिर्फ सेतु के लिए कर रहा हूँ, समझा? हाँ, तो मैंने कब कहा कि मेरे लिए कर रहा है? सेतु के लिए करेंगे। ओके ठीक है, चल। डैड से बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। I'm sorry, मेरी वजह से। प्लीज, तुम्हारी वजह से नहीं होगी। तो हम लोग और जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है।